नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो लेके आपके सामने हाजिर है। ट्विटर पे क्या अपडेट्स है तो पूरी की पूरी जानकारी मिलने वाली है वीडियो के साथ, एंड तक बने रहिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, और टेलीग्राम का लिंक देखकर डिस्क्रिप्शन में जाके फटाफट उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सबसे पहला जो ट्वीट यहाँ पे निकल के है यूटुडे की तरफ से, बिटकॉइन की तरफ से, माइट फेस पोटेंशियल डाउन साइड रिस्क अबाउ 25,000। अगर यहाँ से BTC कॉइन, जैसा कि आपने देखा है, 25,000 की एक बार लेवल को नीचे चला गया था, लेकिन रिकवर होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर ये प्राइस 25,000 से नीचे जाता है तो कहीं ना कहीं एक कह सकते हो एक डाउनफॉल के अंदर, जहाँ पे सब कुछ चेंज होता हुआ नज़र आ सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि 23,000 तक बड़ी सपोर्ट निकल के सामने आ रही है, वहाँ पे जाके रुकने के चांसेस नज़र आएंगे अगर यहाँ 25,000 से नीचे चला जाता है। लेकिन आपको बता दिया जाए, क्रिप्टो मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो जो देख आएगा टाइम नीचे जाने का, तब उसकी बात की जाएगी, लेकिन फिलहाल हाल फिलहाल रिकवर हो चुका है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए 24 आवर्स के अंदर जो बर्निंग की गई है, तो बर्न रेट बहुत बड़ा लेवल का यहाँ पे अप कर दिया गया है। 17 बिलियन के आसपास यहाँ पे कॉइन बर्न किए गए हैं 24 आवर्स के अंदर, क्योंकि डाउनफॉल रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही है। उससे ज़्यादा अल्ट कॉइन और मीम कॉइन ज़्यादा और भी ज़्यादा गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे एक पैनिक यहाँ पे माहौल ट्रिगर होने के चांसेज नज़र आ रहे हैं। और अगला ट्वीट निकल के सामने आया दोस्तों, वेल्स ने यहाँ पे फिर रुचि दिखाई है। 229% एक वीक के स्टार्ट होते ही इस वीक के 229% उछाल आया वेल्स के अंदर, जो शिबा की यहाँ पे बाइंग की गई है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों वेल्स तो फिराक में रहती है कि कब नीचे आए, लोग पैनिक हो जाते हैं, अपना माल वहाँ पे बेच देते हैं, और वेल्स इसी फिराक में रहते हैं कि कम दाम के अंदर उनको माल का बटोरने का मौका यहाँ पे मिल सके। और आपको बता दूं दोस्तों, शिबेरियम शिबा इनू लेयर टू नेटवर्क हिट्स ओवर 2 मिलियन ट्रांजेक्शन, तो 2 मिलियन ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करके उससे आगे निकल जा चुकी है शिबेरियम। लेकिन काफ़ी लोग नेगेटिव कमेंट करके ये बातें कह रहे हैं कि शिबा इनू कॉइन डूब गया है, कुछ नहीं मिलने वाला, पेपे कॉइन ने डुबो दिया है। तो भैया मार्केट की तरफ तो देखो ना यार, BTC कॉइन गिर रहा है तो शिबा कौन सा एकदम से ऊपर चला जाएगा। शिबेरियम लॉन्च हुई है, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन मार्केट तो ग्रीनरी लौटने दो, वेट तो कीजिए। पिछले 2-3 महीनों से BTC कॉइन अपने को ग्रीन सिग्नल ही दे रहा था, तो एक मंथ अगर ऐसा आ भी चुका है, या 2 वीक ऐसे आ चुके हैं पैनिक माहौल के, तो थोड़ा सब्र करो भाई, ऊपर भी आएगी मार्केट। अब ये नहीं है कि मार्केट दोबारा 15,000 पे जाने वाली है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ से चला है प्राइस तो रिकवरी होगी, और फिर यहाँ से एक नेक्स्ट लेवल का बूस्ट भी देखने को मिलेगा। इसी साल के एंड तक अगर 50,000 पहुँचने के चांस है BTC कॉइन के, तो क्या शिबा यहीं थोड़ी ना रुका रहेगा, शिबा का भी प्राइस बढ़ने वाला है। और जो लोग कह रहे हैं कि शिबेरियम से कुछ नहीं होगा, वो आने वाले टाइम के, आने वाले वक्त के अंदर पता चल जाएगा। मैं तो भी पॉजिटिव हूँ, और पॉजिटिव ही हम लोग रहते हैं, हमेशा आपको अच्छी न्यूज लेके आने की ही कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।